हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन मॉम। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट क्राई हॉल वीडियो। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ये शॉपिंग मैंने बहुत पहले कर ली थी, मतलब ज़्यादा पहले नहीं, अराउंड 1 मंथ के आसपास मैंने कर ली थी, बट मैं इसकी वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी इसकी जल्दी से शूटिंग कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी। तो आइए हॉल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये कार्टस का 4 पीस सेट है। इसमें जो प्रिंटिंग हो रही है कंस्ट्रक्शन ट्रक की हो रही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। एंड लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दिया है। व्हाइट पे इसमें प्रिंटिंग हो रही है ब्लू कलर से, येलो कलर से। देन इसके नीचे इन्होंने प्लेन ब्लू कलर का एक पैंट, लॉज पैंट दिया हुआ है, सिंपल पजामी भी कह सकते हैं आप। और इधर देखेंगे तो येलो कलर का है, फुल येलो है, उसके ऊपर प्रिंटिंग हो रही है कंस्ट्रक्शन ट्रक्स की। एंड इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है कंट्रास्टिंग में लाइट कलर का। तो इनको चाहो तो आप एक साथ भी पहना सकते हो सेम कलर का, जैसे यहाँ पे ये वाइट के साथ आप ये वाइट वाला ही पहना सकते हो। और अगर आप चाहो तो इनको इस तरह से मिस मैच करके पहना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर सेम बनाए तो भी अच्छा लगता है। तो इसमें स्लिम फिट वाला लुक आएगा, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चे। और कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक जो है कॉटन है। एंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों सेट मैंने खरीदे 996 रुपीज़ में। जस्ट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। कार्टस की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी निकलती है। देन मैंने कुछ लॉज पैंट्स मंगाई हैं, ये है रेड कलर का, और ऊपर आप देख सकते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग वाले हैं। ड्रॉ स्ट्रिंग वाले ही लीजिए, बिकॉज बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। एंड आपके जो बेबी की वेस्ट जो होती है उसके अराउंड बहुत ही अच्छे से टक हो जाता है, तो उसमें निकलते नहीं है ये। तो मुझे तो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ड्रॉ स्ट्रिंग वाला, बिकॉज इलास्टिक वाले जो होते हैं ना कभी कभी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो वो ठीक से बच्चा पहन नहीं पाता। उसको पेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें नहीं पता चल पाता। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 पॉकेट्स दी हुई हैं, बिकॉज बच्चों को पॉकेट्स बहुत पसंद आती हैं। एंड यहाँ पे हल्की सी इन्होंने बस थोड़ी सी नॉर्मल सी डिज़ाइनिंग दी हुई है। नीचे देखेंगे तो इलास्टिक वाला टकिंग वाला पैटर्न है, जो काफ़ी अच्छा रहता है, टक हो जाता है। एंड कोई भी हवा पास होने का नहीं रहता है, अच्छी रहती है। एंड ये थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड है, प्योर कॉटन नहीं है, कॉटन ब्लेंड है, तो ये भी बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल रहता है। ये मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा मंगाया है, बिकॉज ये मैंने थोड़ा सा ये सोचते हुए मंगाया कि सितंबर और अक्टूबर नवंबर की जो ठंड आती है उस हिसाब से मंगाया है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड इसका साइज़ है ये 36 मंथ्स का है। ये OVS ब्रांड का है, OVS मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ फर्स्ट क्राई से। एंड इसका जो प्राइस दिया गया है, एक्चुअल प्राइस दिया है 900 रुपीज़, एंड ये जस्ट मेरे को पड़ा है 380 रुपीज़ में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लॉज पैंट, एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको आप हाफ टी शर्ट के साथ, फुल टी शर्ट्स के साथ अभी भी पहना सकते हैं। अभी भी वेदर थोड़ा ऐसा सा ही चल रहा है बच्चों के हिसाब से, तो आप इस तरह के कपड़े पहना सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये वाला, और ये आपको लग रहा होगा ये मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ, क्योंकि आफ्टर वॉश रिव्यू का भी आता है काफ़ी, तो मैंने ये पहना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी शिवांश। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकली है धुलने के बाद भी। एंड ये थोड़ा सा मैंने अभी आयरन नहीं किया है, तो इस तरह से दिख रहा है। ऊपर आप देखेंगे इसमें भी ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पैटर्न दिया गया है, आराम से टक हो जाएगी। देन इसमें पॉकेट्स दी गई हैं, यहाँ पे इसमें पैच वर्क दिया हुआ है। देन यहाँ पे भी थोड़ा सा बियर वगैरह बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे से टकिंग वाला पैटर्न है, एंड इसका जो फैब्रिक है ये भी कॉटन ब्लेंड है, और इसका जो प्राइस है 410 रुपीज़। तो उस हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है और पहनने में बहुत ही अच्छा लगा है। ब्राइट कलर लिया है मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट सा चाहिए था, थोड़ा सा कलेक्शन और अच्छा करना था, तो इस तरह के मैंने कलर्स लिए हैं, वाइब्रेंट कलर्स जो कलरफुल सा लगता है बच्चों को पहना के। और ये है कीड़ोपंती का, और इसका साइज भी मैंने मंगाया है 2 to 3 ईयर्स, तो अभी के टाइम पे भी आ जाएगा उसको, और थोड़ा सा फिर जो सितंबर वाली ठंड वगैरह स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे भी बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं, तो आप ये सब पहना सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये वाला, और ये वाला भी मैं पहना चुकी हूँ शिवांश को, और ये धुलने के बाद बहुत ही अच्छा निकला है, कोई भी इसमें खराबी नहीं है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें कोई ड्रॉ स्ट्रिंग नहीं है, इसमें इलास्टिक वेस्ट बैंड है, बट इलास्टिक की जो क्वालिटी है ऐसी नहीं है, टाइट नहीं है, आराम से कम्फर्टेबल वाली है, तो आराम से पहना सकते हैं। देन नीचे इसमें टकिंग वाला पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने हल्का सा बॉल प्रिंट किया है, रग्बी वाली बॉल बनी हुई है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है। ये है ग्रे कलर का, और अंदर से आप देखेंगे तो ये हल्का सा मैंने गोल्डन टच वाला मंगाया था, और हल्का सा सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये जस्ट आप बिलीव नहीं करोगे कितने रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में मिला है, तो बहुत ही अच्छा पीस मिल गया था, इसलिए मैंने ये मंगा लिया। देन मैं ये दिखा देती हूँ आपको, शर्ट ली है मैंने एक, और ये ब्लू कलर की है, और इसमें चेकर्ड वाला पैटर्न है, ब्लू एंड थोड़ा सा कलर्स मिक्स है, प्रॉपर ये ब्लू नहीं है, थोड़ा सा अलग सा ब्लू है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे बटन प्लेकेट दिया हुआ है जैसे होता है नॉर्मली, और यहाँ पे एक हल्का सा ये टैग सा लगा दिया है इन्होंने, इसको आप फोल्ड करके भी पहना सकते हैं आराम से बच्चों को। जैश किड्स की मैंने पहले भी बहुत सारी शर्ट्स ली हैं, शर्ट्स का ऑलरेडी एक हॉल वीडियो भी किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी निकलती हैं, मेरे लिए तो एक बिल्कुल थम्सअप है, हमेशा मैं जैश किड्स की मंगाती हूँ। और यहाँ पर आप साइज़ देखेंगे इसका,
तो ये मैंने मंगाया है 3 to 4 years वाला। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने विंटर्स के हिसाब से मंगाया है, तो नेक्स्ट विंटर्स में आराम से आ जाएगी और आप इसको अभी भी नॉर्मली फोल्ड करके पहना सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है फोल्डिंग के लिए, फोल्ड करके आप आराम से पहना सकते हैं बेबीज़ को। और इसके नीचे अगर आप चाहें तो हल्का सा एक ब्लैक टी शर्ट वगैरह डाल के इसको ओपन करके भी पहना सकते हो, तो बहुत ही अच्छा लुक देती है ये वाली शर्ट्स। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, इसका प्राइस दिया गया है 760 रुपीज़ एंड ये जस्ट मेरे को पड़ी है 370 रुपीज़ में, तो बहुत ही अच्छी डील लगती है। सबसे ज़्यादा मुझे इसका फैब्रिक पसंद आता है, धुलने के बाद बहुत अच्छा निकलता है, ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी यूज़ कर चुकी हूँ। देन मैं आपको ये दिखाती हूँ, नाइट सूट लिया है मैंने एंड ये बेबी हग का है। और बेबी हग का जो होता है ये फर्स्ट क्राई का इन हाउस ब्रांड है और बहुत अच्छा निकलता है ये भी। एंड आप जैसे देख सकते हैं ये मैंने ब्लू कलर में लिया है, इसमें स्टार प्रिंट हो रहा है, स्टार्स बन रहे हैं और ब्लैक एंड रेड कलर से बन रहे हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देन यहाँ पे इसमें कॉलर दिया हुआ है, फुल स्लीव्स है और अगर आप चाहें तो इसमें हाफ स्लीव्स के भी अवेलेबल हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। ये बेबी हग का इसका साइज़ मैंने जो मंगाया है 2 to 3 years मंगाया है, तो ये आराम से आ जाएगा शिवांश को। एंड इसका जो फैब्रिक है 100% कॉटन है, बहुत अच्छा फैब्रिक लग रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका जो प्राइस दिया गया है 530 रुपीज़ दिया गया है और ये जस्ट मेरे को पड़ा है 280 रुपीज़ में। ये देखिए इलास्टिक वेस्ट बैंड है और नॉर्मल इसकी जैसे लोअर होते हैं उस तरह का है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा बड़ा आएगा तो उसको मैं फोल्ड करके पहना दूंगी और फिर थोड़े टाइम बाद उसको फिट आ जाएगा। देन मैंने कुछ टी शर्ट्स ली हैं और ये भी काफ़ी अच्छी हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। ये बेबी हग की है, ये ऑरेंज कलर की है, काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड सिंपल राउंड नेक दिया गया है एंड हाफ स्लीव्स है एंड इस पे यहाँ पे व्हीकल प्रिंट हो रहा है। इसका जो प्राइस है 250 रुपीज़ है और ये जस्ट मेरे को पड़ी है 130 रुपीज़ एंड इसका जो साइज़ मैंने मंगाया है 2 to 3 years है और 100% कॉटन फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल है। देन साथ ही साथ इसका आपको आफ्टर वॉश रिव्यू भी मिल जाएगा, ये आयरन नहीं हुई है अभी, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, बट अभी धुल चुकी है ये, तो ये आफ्टर वॉश रिव्यू भी आपको हैंड टू हैंड मिल गया। तो ये भी मैंने इसी तरह की मंगाई है, ये बेबी हग की है सेम और इस पर प्रिंटिंग हो रही है सर्टिफाइड ममाज बॉय एंड ये मैंने पहना चुकी हूँ, बट ये अभी आयरन नहीं हुई तो इस वजह से आपको थोड़ी सी ऐसी ही लग रही होगी, बट धुलने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुई है, कोई भी प्रिंट नहीं उतरा है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड सिंपल राउंड नेक है, ये भी जस्ट 130 रुपीज़ के राउंड ही मिली थी, तो बहुत अच्छी निकली और साथ ही साथ आपको रिव्यू भी मिल गया। ये ग्रीन कलर की है, इस पर कार प्रिंट हो रही है, काफ़ी अच्छी सेम है, ये 130 की रेंज के आसपास ही है। देन एक मैंने कट स्लीव्स मंगाई है आने वाली समर्स के लिए, तो ये ब्लू कलर है, लाइट ब्लू है और उस पर स्ट्राइप्स वाला पैटर्न है, काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे पॉकेट दी गई है ब्लू कलर से, देन यहाँ पे सिंपल राउंड नेक दिया है और ये 120 रुपीज़ में मिली है। ये भी बेबी हग की है, तो ये भी बहुत ही कम्फर्टेबल रहती है, बच्चे बड़े आराम से पहन के घूम सकते हैं, जैसे समर्स में कंफर्टेबल रहता है हाफ स्लीव्स वगैरह या कट स्लीव्स वगैरह इस तरह के कपड़े पहना सकते हैं आप। देन मैंने नेक्स्ट कुछ मंगाई है शॉर्ट्स, ये देखिए ग्रीन कलर की मंगाई है मैंने, बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है और काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रही है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एडजस्टेबल इलास्टिक वेस्ट बैंड दिया है, जो बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मुझे इन चीज़ों में, बिकॉज आप वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपके बच्चे की जितनी भी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वेस्ट एडजस्ट हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहती है कि हाँ छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है। नॉर्मल बटन दिया गया है, चेन दी गई है और पॉकेट्स दी गई हैं, 2 पॉकेट्स आपको फ्रंट में मिल जाएगी, 1 पॉकेट आपको पीछे मिल जाएगी। ये बेबी हग की है और इसका एक्चुअल प्राइस दिया गया है 500 रुपीज़ एंड ये जस्ट मेरे को पड़ी है 290 रुपीज़ में, तो ये मैंने मंगाई है 2 to 3 years के लिए, तो आई थिंक ये बड़े आराम से आ जाएगी समर्स में शिवांश को, बहुत ही अच्छी लग रही है, कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। देन नेक्स्ट मैंने मंगाई है ब्लैक कलर में, इसका जो फैब्रिक है नेट फैब्रिक है और ये इलास्टिक वेस्ट बैंड है यहाँ पे आप देखेंगे और इसके साथ दी गई है ड्रॉ स्ट्रिंग, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मल हॉजरी की टाइप पैंट लग रही है। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें पॉकेट्स दी गई हैं दोनों साइड्स में, तो ये आप जब बच्चे घर पे होते हैं तो आराम से वो पहना सकते हैं और इस पर प्रिंटिंग हो रही है। ये फीडो ब्रांड की है और इसका प्राइस जो डला हुआ है यहाँ पे 235 रुपीज़ डला हुआ है एंड ये जस्ट मेरे को पड़ी है 180 रुपीज़ में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट क्राई शॉपिंग हॉल वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और आप इस तरह के बच्चों के हॉल वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, स्पेशली बॉयज़ के, बिकॉज मैं गर्ल्स के नहीं कर सकती हूँ। और मेरे और भी फर्स्ट क्राई हॉल वीडियोज़ हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैं सबका लिंक नीचे आपको
दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। एंड मुझे आप जरूर बताइएगा कि शिवांश के ऊपर आपको कौन से कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं शिवांश को सारे ही कपड़े पहना के दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में, और नहीं हो पाया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर जरूर उसकी पिक्स डालूंगी, तो आप वहाँ पर देख पाएंगे कि वो कैसा लग रहा है, कौन से कपड़े कैसे लग रहे हैं उसके ऊपर, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।